दोस्तों, जब कभी आप हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर जाते हैं तो उसमें काफ़ी समय आपका लग जाता है। आप पैदल जाएं या रोपवे के माध्यम से जाएं, लगभग 3 घंटे 4 घंटे लग ही जाते हैं। और जब आप वहां पर दर्शन कर लेते हैं तो श्रद्धालुओं को भूख लगती है और उनको कुछ खाने का मन करता है। तो चंडी देवी मंदिर में एक बड़ी सी दुकान है, दुकान का नाम है माँ चंडी देवी कैंटीन। तो आप सभी को उस दुकान तक ले चलते हैं और वहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो जानकारी है आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब आप चंडी देवी मंदिर जाएंगे, आपके साथ बच्चे होंगे या बड़े हों, भूख तो सभी को लगती है, तो उनको नाश्ता करने के लिए, भोजन करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो आप यहाँ पर आकर भोजन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ नाश्ता करना चाहें तो नाश्ता भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार ऋषिकेश में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश और आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। ये देख सकते हैं माता चंडी देवी कैंटीन के नाम पर ये दुकान है। यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल के लिए एक थाली भी रखी है और थाली में क्या क्या है ये जानते हैं। भाई साहब, भोजन थाली कितने की है ये वाली? 120। तो दोस्तों, भोजन थाली आप सभी देख सकते हैं, इसमें 4 रोटियां आपको मिलेंगी, मटर पनीर है, आलू की एक सब्जी है और दाल मखनी है, और उसके साथ रायता भी आपने देखा है, और ये मिठाइयां हैं जो यहाँ पर बनती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर टिक्की है, और अगर आप छोले भटूरे लेना चाहते हैं, समोसा लेना चाहते हैं, ब्रेड पकौड़ा लेना चाहते हैं, कचौड़ी लेना चाहते हैं, तो काफ़ी बड़ी दुकान है और बहुत सारे खाने पीने के लिए जो आइटम्स हैं यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार, जो भी आपका बजट है, जो भी आपको खाने का मन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस दुकान तक पहुँचना चाहते हैं तो ये दुकान जो है चंडी देवी मंदिर जो परिसर है, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की, वहीं पर ये दुकान है। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, और जब आप रोपवे के माध्यम से चंडी देवी मंदिर आएंगे तो इसी दुकान के सामने से ही होकर आएंगे। और अगर आप पैदल आते हैं तो आपको थोड़ा सा लगभग 20-30 मीटर अंजनी माता मंदिर की ओर चलना होगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर छोले भटूरे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट भी है, आप यहाँ पर बैठकर आराम से भोजन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं, और इन्होंने यहाँ पर लिस्ट भी लगाई हुई है कि आलू टिक्की 40 रुपए की स्पेशल, छोले चावल और स्पेशल राजमा चावल 50, और पूरी सब्जी अगर लेना चाहें तो 50। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं और उसके अनुसार ही आप अपना जो खाने का बजट है वो देख सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो लिस्ट लगी हुई है उसको सही से दिखाते हैं, ताकि आप प्रॉपर देख लें कि यहाँ पर आपके लिए खाने के लिए क्या क्या उपलब्ध है। खस्ता कचौड़ी है, और जिसका प्राइस सही से नहीं दिख रहा है, समोसा 30 रुपीज़ के 2 पीस हैं, ब्रेड पकौड़ा 30 के 2 हैं, गुलाब जामुन 30 में 2 पीस हैं, स्पेशल छोले भटूरे हैं 50 रुपये में 2 पीस, पूरी सब्जी 50 रुपये में 4 पीस हैं, कढ़ी चावल है 50 रुपये का, स्पेशल राजमा चावल 50 रुपये का। तो आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको जो रेट के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ऑर्डर करने से पहले आपको उसके रेट के बारे में पता लग जाएगा। स्पेशल लस्सी भी है, कुल्फ़ी भी है, मिल्क बादाम है, और ये देख सकते हैं इनके बैठने के लिए इन्होंने काफ़ी स्पेस यहाँ पर बैक साइड में इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर आप बैठकर आराम से भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। और जो चंडी देवी मंदिर परिसर है वहाँ की सबसे बड़ी दुकान है, और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा खाने के लिए ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध रहेंगे। भैया, टिक्की कितने की है वाली? 40 रुपये प्लेट है। 40 रुपये प्लेट है टिक्की है।
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 40 रुपए की टिक्की की प्लेट लगाई जा रही है, और ये देख सकते हैं इन्होंने दही ऐड किया है, ये मीठी चटनी है। तो ये 40 रुपए की चाट टिक्की है, और ये देख सकते हैं ये गुलाब जामुन रखे हुए हैं, और काफी बड़ा काउंटर है, हर तरफ अलग अलग, कहीं टिक्की का काउंटर है और कहीं चाय का काउंटर है। तो आइए देखते हैं, ये चाय का काउंटर है बगल में, और अब आप देख सकते हैं पूरी दुकान आपको अब सही से नजर आ रही होगी, माँ चंडी देवी कैंटीन। और यहाँ पर प्रसाद भी है, अगर आप पेड़े लेना चाहें, लड्डू लेना चाहें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। भैया चाय कितने की है? 20 रुपए की एक चाय। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय चंडी माता।